हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डाई कास्टिंग प्रोसेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले की वीडियोस में हमने अभी तक कास्टिंग के बेसिक्स पढ़ लिए, पैटर्न के बारे में पढ़ लिया, उसी तरह से मोल्ड के बारे में पढ़ लिया और कास्टिंग की कुछ क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डाई कास्टिंग प्रोसेस के बारे में, जो कि कास्टिंग की क्लासिफिकेशन है। देखो, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, शॉर्टकट में आपको बताता हूँ बेसिक होगा क्या इसमें। जो डाई कास्टिंग है एक्चुअली, ये क्या है, परमानेंट मोल्ड का हम इसमें यूज़ करते हैं। मोल्ड को मतलब कि एक बार की बजाय बार बार हम यूज़ कर सकते हैं, और इसमें मोल्टन मेटल को हम कैविटी तक पहुंचाने के लिए प्रेशर का यूज़ करते हैं। अब आगे आपको हम देखेंगे, धीरे धीरे समझ आएगा। बेसिकली अभी समझो किसी क्लासिफिकेशन, इसको हमने बेसिकली दो टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है। एक है ग्रेविटी डाई कास्टिंग और एक प्रेशर डाई कास्टिंग। और प्रेशर डाई कास्टिंग को फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहली है हॉट चैम्बर प्रोसेस और दूसरा कोल्ड चैम्बर प्रोसेस। इन सभी को वन बाय वन स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम ग्रेविटी डाई कास्टिंग पढ़ेंगे, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे बढ़िया तरीके से, और फिर उसी तरीके से आगे की तरफ बढ़ेंगे। देखो, ग्रेविटी डाई कास्टिंग को हम परमानेंट मोल्ड कास्टिंग भी कहते हैं। जैसे कि अभी तक हमने देखा, ये प्रोसेस लगभग उसी की तरह है। जो डिफरेंस आएगा वो प्रेशर डाई कास्टिंग में आया, उसके बारे में स्टडी करेंगे। ग्रेविटी डाई कास्टिंग में देखो क्या है, इसमें हम डाई का यूज़ करते हैं। बेसिकली हमें क्या, हमें मान लो कि इस तरह की हमें कोई कास्टिंग चाहिए, इस तरह की हमें कोई शेप चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एक डाई बनाएंगे। उस डाई को इस तरह से बनाएंगे कि उसमें इस तरह की कैविटी बनी रहे। अब ये कैविटी हमारे पास बन गई, हम इसमें क्या करेंगे, नॉर्मल जैसे पहले अभी तक करते गए हैं वैसे ही करेंगे। एक लैडल होगा, लैडल की हेल्प से इसमें मोल्टन मेटल पड़ा होगा, और मोल्टन मेटल को हम क्या करेंगे, इसमें गेटिंग सिस्टम के हेल्प से इसमें पोर करेंगे। और जैसे मोल्टन मेटल इसमें एंटर करेगा, वो यहाँ से होता हुआ इस मोल्ड कैविटी को, या फिर कैविटी कह सकते हो, उसे फिल इसमें फिल हो जाएगा, और धीरे धीरे वो सॉलिडिफाई हो जाएगा। और सॉलिडिफाई होने के बाद हमें इस तरह की कास्टिंग यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये हो गया ग्रेविटी डाई कास्टिंग। इसका नाम ग्रेविटी डाई कास्टिंग इसलिए है क्योंकि इसमें कोई हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे मेटल को, मोल्टन मेटल को यहाँ तक पहुँचाने के लिए। नॉर्मल ग्रेविटी फोर्स की हेल्प ले रहे हैं मोल्टन मेटल को इस कैविटी तक पहुँचाने के लिए। अब इसमें क्या, ग्रेविटी इसमें दो टाइप्स की डाई यूज़ करते हैं एक्चुअली। डाई एक, इसके दो पार्ट्स होते हैं, दो हाफ्स होते हैं। एक रहता है हमारे पास इजेक्टर डाई, एक्चुअली इजेक्टर डाई ये है, और एक रहता है कवर डाई। कवर डाई जो है मतलब इसको हम फिक्स्ड, इस डाई को हम फिक्स्ड डाई कह सकते हैं, ये फिक्स्ड रहता है। और जो नीचे वाला डाई है ये मूवेबल है, इसको इजेक्टर भी कह सकते हैं, और पिंस की हेल्प से ये अरेंजमेंट होती है। हो गया क्या, जैसे हमने सारा सेटअप कर लिया, मोल्टन मेटल इसमें इंसर्ट करवा दिया, यहाँ पर कैविटी बन गई, हमारे पास कास्टिंग हमारे पास मिल गई, उसके बाद हम क्या करते हैं, इस डाई को सेपरेट कर लेते हैं। ये तो फिक्स्ड है, जो मूवेबल डाई है इसको अलग कर देते हैं। इसको बाहर करने के बाद ऐसे कास्टिंग मेटल को बाहर निकाल देते हैं, मतलब हमें कास्टिंग मिल गई। इसका फ़ायदा ये है कि इसमें फेरस और नॉन फेरस दोनों तरह के मेटल्स को हम कास्टिंग, दोनों की कास्टिंग कर सकते हैं। लेकिन इसमें डिसएडवांटेजेस ये हैं कि प्रोडक्शन रेट इसमें कम रहता है, और कास्टिंग जो हमें मिलती है वो डायमेंशनली एक्यूरेट नहीं होती और स्मूथ भी नहीं होती। अब बात करते हैं हम प्रेशर डाई कास्टिंग की, जो कि मेन टाइप है इसकी। आपको कभी डाई कास्टिंग सुनने को मिलेगा या फिर आपको प्रेशर डाई कास्टिंग सुनने को मिलेगा, ज़्यादातर आपको प्रेशर डाई कास्टिंग सुनने को मिलेगा। अब इसके दो पार्ट्स हैं, एक है कोल्ड चैम्बर प्रोसेस, एक है हॉट चैम्बर प्रोसेस। देखो, इसमें प्रेशर डाई कास्टिंग नाम प्रेशर इसलिए रखा है क्योंकि प्रेशर की हेल्प से हम मोल्टन मेटल को इस कैविटी तक पहुँचा रहे हैं, इसलिए प्रेशर डाई कास्टिंग है यहाँ पर। अब इसके दो टाइप्स हैं, पहले हम कोल्ड चैम्बर प्रोसेस के बारे में स्टडी करते हैं, इसको डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। इसमें भी सेम वही है, डाई के दो हाफ्स हैं, एक जो हमारे पास मूवेबल है और एक फिक्स्ड है। जैसे यहाँ पर ये फिक्स्ड डाई है और ये मूवेबल डाई है, और बीच में हमारे पास क्या है, यहाँ पर जिस भी तरह की हमें कास्टिंग चाहिए हमने उस तरह की कैविटी तैयार कर ली। तो मान लो कि हमें इस तरह की कास्टिंग चाहिए, लास्ट में हमने इस तरह की कैविटी यानी कि एम्प्टी स्पेस हमने यहाँ पर रख दिया है ताकि उसमें मोल्टन मेटल जाए और फिल हो सके। और होता क्या है, इसमें नॉर्मल जैसे अभी तक हमने पढ़ा, लैडल की हेल्प से हम मोल्टन मेटल लाएंगे। लैडल की हेल्प से यहाँ पे एक होल रहता है, वहाँ से मोल्टन मेटल अंदर की तरफ जाता है, और उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे साइड में सिलेंड्रिकल हाइड्रोलिक सिस्टम होता है जिसकी हेल्प से वो प्लंजर को फोर्स करता है। और प्लंजर क्या करता है, ये जो मोल्टन मेटल है इसको प्रेशर से, प्रेशर की हेल्प से इसे यहाँ से आगे की तरफ, फॉरवर्ड की तरफ मूव करता है, और इसके कारण ये सारा जो मोल्टन मेटल है इस कैविटी के अंदर जाता है। अब जैसे ही कैविटी के अंदर जाएगा तो इस कैविटी को फिल करेगा, और जैसे ही फिल होगा थोड़ी देर बाद ये सॉलिडिफाई हो जाएगा। सॉलिडिफाई होने के बाद हमें जिस तरह की कास्टिंग चाहिए थी वो हमें मिल गई। अब जैसे ही हमें ये कास्टिंग हमारा कंप्लीट हो गया, प्रोसेस मोल्टन मेटल यहाँ पर आ गया, हमें कास्टिंग मिल गई। अब हम क्या करेंगे, ये इजेक्टर पिंस लगी होती हैं, इन दोनों पिंस को रिमूव करेंगे, ढीला करके बाहर निकालेंगे। उसके बाद हमारे पास इजेक्टर डाई है, उसे हम अलग कर देंगे। ये हमारे पास फिक्स डाई है या मूवेबल है, ये एज इट इज़ रहेगी। ये जो मूवेबल डाई, इसको हम निकाल देंगे, बाहर कर देंगे, और कास्टिंग हमारे पास इजीली उसको रिमूव कर सकते हैं। अब इसकी प्रेशर की बात करते हैं कि प्रेशर की हेल्प से मोल्टन मेटल को अंदर की तरफ भेजा जा रहा है, जिसमें प्रेशर की रेंज रहती है वो 20 से 70 मेगा पास्कल तक, कितनी प्रेशर की रेंज रहती है नॉर्मली। लेकिन अगर हाई की बात करो, मैक्सिमम ये 150 मेगा पास्कल तक का प्रेशर भी हमें मिल सकता है।
अब मशीन्स एक्चुअली सारा काम ये मशीनिंग की हेल्प से होता है, ये मैनुअली तो कम ही होता है। मशीन्स होती हैं जैसे हाइड्रोलिक मशीन की हमने बात की, हाइड्रोलिक मशीन से काम हो रहा है। तो मशीन्स इसमें हॉरिजेंटली भी हो सकती हैं, वर्टिकल भी हो सकती हैं। अब किस किस चीज़ को हम इसे कर सकते हैं, जैसे अगर एलॉयज़ की बात करो, मैग्नीशियम के एलॉयज़ की बात करो, कॉपर की एलॉयज़ की बात करो, इनको नॉर्मली इस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, कॉस्ट कर सकते हैं, कास्टिंग कर सकते हैं। हालांकि यह है कि बाकी कुछ और भी फेरस मेटल्स हैं जिनकी हम कास्टिंग कर सकते हैं इसकी हेल्प से। अब हम बात, ये था कोल्ड चैम्बर प्रोसेस के बारे में। अब इसका नाम कोल्ड चैम्बर क्यों था आपको अभी समझ आएगा। पहले हम हॉट चैम्बर प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं। हॉट चैम्बर प्रोसेस में भी प्रेशर की हेल्प से मोल्टन मेटल को इंसर्ट किया जा रहा है, बट अरेंजमेंट थोड़ी सी डिफरेंट है। अब इसको हॉट चैम्बर नाम क्यों भी आपको समझ आएगा। देखो यहाँ पर क्या होता है, जो हमारे पास फर्नेंस है, जैसे जहाँ पर हम मोल्टन मेटल को मेल्ट करते हैं, वो आप कह सकते हो कि इसी डाई कास्टिंग का एक पार्ट है, मतलब इसी का एक हिस्सा है। अब जैसे यहाँ पर ये फर्नेंस है हमारे पास, यहीं पर मोल्टन मतलब मेटल जो है वो मेल्ट हो रहा है, और यहीं पर हमने सारा सिस्टम बनाया हुआ, गेटिंग सिस्टम या कह सकते हो कि जो डाई वगैरह वो सारे आपस में कनेक्टेड है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर क्या हमारे पास फर्नेंस है, यहाँ पर एक होल्डिंग पोर्ट है जिसमें क्या हो रहा है, मेटल मेल्ट हो रहा है, मतलब मोल्टन मेटल यहाँ पर सारा बड़ा हुआ है। और फिर यहाँ पर सिलेंडर की अरेंजमेंट है, मतलब कि हाइड्रोलिक सिस्टम है जिसकी हेल्प से प्लंजर को फोर्स करता है। प्लंजर क्या करेगा, मोल्टन मेटल को फोर्स करेगा और एक गूसनेक से होता हुआ नोजल में एंटर करेगा। गूसनेक की अरेंजमेंट है जिसके द्वारा मोल्टन मेटल यहाँ से कैविटी से, मतलब मोल्टन मेटल इस जगह से होता हुआ होल्डिंग पोर्ट से होता हुआ यहाँ पर कैविटी तक जाता है। तो गूसनेक के एंड में नोजल लगी होती है जिसकी हेल्प से ये क्या होता है, एंटर करता है कैविटी में। और सेम यहाँ पर भी वही है, एक मूवेबल डाई है और एक फिक्स डाई है, इजेक्टर पिंस लगी हुई हैं। जैसे यहाँ से मोल्टन प्लंजर फोर्स करेगा मोल्टन मेटल को, तो मोल्टन मेटल यहाँ से घुसने से होता हुआ नोजल से होता हुआ यहाँ पर फिल होना स्टार्ट कर देगा। और हमें इस तरह जिस भी तरह की कास्टिंग चाहिए थी, हमें उस तरह की डाई बनाई होगी और हमें वो लास्ट में एंड में कास्टिंग मिल जाएगी। अब कास्टिंग मिल गई तो हम क्या करेंगे, मूवेबल डाई को अलग करके, इजेक्टर पिंस को निकाल के मूवेबल डाई को अलग करेंगे और जो हमारे पास प्रोडक्ट है उसे बाहर निकाल देंगे, तो हमें कास्टिंग मिल जाएगी। अब हॉट चैम्बर नाम इसलिए क्योंकि सारी जो अरेंजमेंट आप देख सकते हो, प्लंजर की अरेंजमेंट होगी या घुसने की अरेंजमेंट होगी, ये सारी कहाँ पर है, फर्नेस के साथ साथ ही है। तो मतलब कि यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, तो इसलिए इसको हम हॉट चैम्बर प्रोसेस कहते हैं। अब जो लास्ट केस हमने कोल्ड चैम्बर प्रोसेस पढ़ा, उसका नाम कोल्ड चैम्बर आप समझ गए होंगे क्यों पढ़ा, क्योंकि वहाँ पर कोई ऐसा अरेंजमेंट नहीं था, फर्नेस अलग था, अलग से लिक्विड मेटल लाया जा रहा था, यहाँ पर वहीं पर लिक्विड मेटल तैयार हो रहा है, वहीं से डायरेक्ट डाई में भेजा जा रहा है, तो इसलिए हॉट चैम्बर प्रोसेस है ये। अब इसे प्रेशर की बात करें तो प्रेशर की रेंज है वो 35 मेगा पास्कल तक जाती है, और अगर एवरेज प्रेशर की बात करें तो 15 मेगा पास्कल तक एवरेज प्रेशर रहता है। और मेटल जो है वो उसको तब तक प्रेशर तक रखा जाता है, तब तक प्रेशर बढ़ाया जाता है जब तक वो सोलिडिफाई ना हो जाए। अब लो मेल्टिंग पॉइंट जिनका जिन एलॉयज का लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, जैसे जिंक की बात कर लो, टिन की बात करो, लेड की बात कर लो, इनकी कास्टिंग जो है इस हेल्प से, इस मेथड से की जाती है। और कोल्ड चैम्बर से हमने हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले मेटल्स की कास्टिंग देखी। तो ये था बेसिकली कोल्ड चैम्बर प्रोसेस और हॉट चैम्बर प्रोसेस के बारे में। अब इसके बारे में एक बार हम आपको इसकी इमेजेस दिखाते हैं, थोड़ी सी कोशिश करूँगा आपको दिख जाए, क्योंकि मेरा लैपटॉप इस टाइम ख़राब हो चुका है, तो इसलिए मेरे को अलग से वीडियो बनानी पड़ रही है। तो अब कोशिश करता हूँ आपको वीडियो दिख जाए, आपको इमेज दिख रही होगी लग रहा है मुझे शायद से। तो ये देख सकते हो आपकी यहाँ पर क्या है, ये जो है हमारे पास ये कोल्ड चैम्बर प्रोसेस है। तो कोल्ड चैम्बर में एक सेकेंड आपको शायद अब दिख जाएगा शायद, देखो समझने की कोशिश करो। बेसिकली इसमें क्या है कि यहाँ पर देखो ये हाइड्रोलिक सिलेंडर है और ये लैडल है, लैडल की हेल्प से मोल्टन मेटल यहाँ पर इंसर्ट कर रहे हैं इस कैविटी पर। ये प्लंजर जो है प्लंजर से फोर्स कर रहा है मोल्टन मेटल को, और ये यहाँ से होता हुआ ये हमारे पास डाई है यहाँ तक जा रहा है। शायद आपको दिख ना रहा हो बट आप समझने की कोशिश करो, जैसे डायग्राम है वही चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। अब उसी के साथ जैसे आप अगर हॉट चैम्बर प्रोसेस की बात करो तो यहाँ पर देख सकते हो आप, अगर आपको दिख रहा हो तो देखो सबसे नीचे फर्नेंस है हमारे पास, उस फर्नेंस के ऊपर हमारे पास होल्डिंग पोर्ट है जो आपको दिख रहा है रेड कलर का थोड़ा, ये हमारे पास मोल्टन मेटल है। और ये पूरी ऊपर अरेंजमेंट है सिलेंडर की, सिलेंडर के अरेंजमेंट है जिसकी हेल्प से क्या हो रहा है, प्लंजर फोर्स कर रहा है मोल्टन मेटल को, और इस गूसनेक की हेल्प से होता है और नोजल की हेल्प से होता है यहाँ पर डाई तक जा रहा है। तो जो आपको चीज़ बताई वही यहाँ पर है, लेकिन आपको शायद से दिख ना रहा हो तो उसके लिए सॉरी बोलता हूँ अभी आपको। अब हम बात करते हैं बेसिकली इसकी एप्लीकेशंस के बारे में, इसकी एडवांटेजेस और इसकी डिसएडवांटेजेस के बारे में। सबसे पहले एक छोटा सा नोट, वो ये है कि कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग में क्या होता है कि मेटल को हम अलग से सेपरेटली लिक्विफाई करते हैं, मतलब अलग से उसको मेल्ट किया जाता है मेटल को, और उसको फिर लैडल की हेल्प से डाई तक लाया जाता है। जबकि हॉट चैम्बर में क्या था, वहीं पर हमारा मेटल लिक्विफाइड हो रहा है और वहीं से हम डायरेक्टली उसे भेज रहे हैं, कोई लैडल का हेल्प नहीं ले रहे हम वहाँ पर। और उसमें क्या था कि कोल्ड चैम्बर में क्या था कि हम लैडल की हेल्प से उसे ला रहे थे, तो क्या था लिक्विड मेटल जो है एटमोसफेयर के कॉन्टैक्ट में आ रहा था, जिसके कारण एयर के वहाँ पर ट्रैप होने के या एयर के वहाँ पर एंटर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे, जो कि
रिजल्ट है कि इसका, जिसके कारण क्या होता है, पोरोसिटी डिफेक्ट आता है। डिफेक्ट्स के बारे में अलग से वीडियो में बात करेंगे, बट उसके कारण एक डिफेक्ट आता है जिसको हम पोरोसिटी डिफेक्ट कहते हैं। अब इस डाई कास्टिंग प्रोसेस के एडवांटेजेस देख लेते हैं। देखो, कुछ पार्ट्स हैं जिनका थिन शेप्स होती हैं, कॉम्प्लेक्स शेप्स होती हैं, वो कई कास्टिंग मेथड्स हैं जिनके कारण हम उनको नहीं बना पाते। अगर कोई ऐसी शेप है जो कि कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप की कोई शेप है, या कोई थिन टाइप की कोई शेप, अगर हमें वैसी कास्टिंग चाहिए तो हम इस मेथड को प्रेफर करेंगे। और इसका एडवांटेज ये भी है कि बाकी अगर मेथड से कंपेयर करो तो, अगर फ्लोर एरिया जो रहता है, मतलब जहाँ पर जितना इसको सेटअप के लिए एरिया चाहिए वो इसे कम चाहिए। और इससे का एक बेनिफिट हो रहा है कि आपको क्लोज डायमेंशन एक्यूरेसी मिल जाएगी। मतलब टॉलरेंस हम सेट करते हैं, अपर लिमिट टॉलरेंस होती है, लोअर लिमिट टॉलरेंस होती है, मतलब इतना ये बात कह सकते हो कि सरफेस फिनिश अच्छी होती है और टॉलरेंस के करीब करीब हमें जो है चीज़ प्रोडक्ट मिलता है उसके बाद। और इसमें कूलिंग रेट जो है वो ज़्यादा रैपिड रहता है, तेज़ रहता है, जिसके अंदर हमें हाई स्ट्रेंथ मिलती है और बढ़िया क्वालिटी भी मिलती है। और एक बेनिफिट और इसका ये है कि हम डाइज की बात करें, इसमें डाइज का यूज़ कर रहे हैं, तो जो डाइज हैं ये, इनकी एक्यूरेसी ज़्यादा देर तक रहती है और इन्हें ज़्यादा देर तक हम यूज़ कर सकते हैं, डाइज को दोबारा बार बार यूज़ कर सकते हैं। अब ये सब तो हो गया, अब इसकी डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? देखो, जो भी इक्विपमेंट हम इसमें यूज़ कर रहे हैं और डाई यूज़ कर रहे हैं, उसकी कॉस्ट महंगी महंगा पड़ता है वो। और दूसरी बात ये करें कि हम ये नहीं कि कोई भी नॉन फेरस मेटल्स ले आओ, हम उसकी कास्टिंग कर सकते हैं इस मेथड से, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक लिमिटेड रेंज है कि हाँ, कुछ मेटल्स हैं या कुछ एलॉयज हैं जिनकी हम इस मेथड के द्वारा कास्टिंग कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं कि सभी की कर सकते हैं। और इसके साथ में ये भी है कि इसमें स्पेशल स्किल भी चाहिए मेंटेनेंस के लिए इसकी। और जैसे आप बात करते हैं पोरोसिटी डिफेक्ट, एयर जो है ट्रैप हो जाती है, उसके कारण कुछ डिफेक्ट्स आते हैं, वो भी इसकी डिसएडवांटेज है। अब एप्लीकेशंस की बात करते हैं कि एप्लीकेशंस क्या हैं इसकी। कुछ पार्ट्स की बात करें ऑटोमोबाइल के पार्ट्स की, जैसे व्हील्स हो गए, ब्लॉक्स, सिलेंडर हेड हो गए, मैनिफोल्ड या सिलेंडर मैनिफोल्ड कह लो, ये सब इसी की मदद से बनाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एक मेथड है डाई कास्टिंग या जिसे हम इन सब चीज़ों को बनाते हैं, और भी मेथड्स हैं, बट मेरे कहने का मतलब है कि ये भी एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी हेल्प से हम इन सब चीज़ों को बना सकते हैं। बाकी किचन वेयर, जैसे अगर प्रेशर कुकर की बात करो तो वो भी इसी मेथड की हेल्प से बनाया जाता है। उसे कुछ टूल्स हो गए जो हम यूज़ करते हैं, हैंड टूल्स, वो भी इसकी मेथड से हेल्प से बनाए जाते हैं। कुछ टॉयज़ हो गए या कार्बोरेटर हो गए, ऐसी जो चीज़ें हैं वो सब हम डाई कास्टिंग मेथड से बनाते हैं। सिर्फ उसी से नहीं बनाते बट उससे बना सकते हैं। तो ये जो आपकी आज की वीडियो में जितना भी आपको मैंने बताया, सारे नोट्स हैं, इनको मैं अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।